मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? जनसेवा केंद्र मरौली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है वचन। वचन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। वचन क्या होता है? वचन के द्वारा हम संख्या का ज्ञान करते हैं। वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ किस रूप में हमारे सामने है, एकत्र रूप में है या अनेकत्र रूप में, अकेला है या अनेक बहुत से लोग, उन सब का ज्ञान हमें हो जाता है वचन के द्वारा, है ना। क्या है वचन? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से एकत्व या अनेकत्व का बोध हो उसे ही हम वचन कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया किसी के भी द्वारा, किसी भी रूप से, जिस रूप से हमें किसी भी वस्तु के एक या अनेक होने का ज्ञान हो जाए उसे हम वचन कहते हैं, है ना। वचन, हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। देखिए संस्कृत भाषा में एक और वचन होता है द्विवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हम हिंदी भाषा में दो ही वचनों का अध्ययन करते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या है? शब्द के जिस रूप से, देखिए आप लोग कहते थे लिखते नहीं सर तो दिक्कत होती है, हमने लिख दिया है, देख लीजिए। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति का, एक वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। क्या है? शब्द के जिस रूप से एक वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति किसी भी चीज के बारे में एक, यदि है एक का ज्ञान हो हमें तो उसे हम एक वचन कहते हैं। समझ गए? जैसे कहा जाए लड़का, लड़का क्या है? एक वचन, एक लड़का है, है ना। इस तरह से या ये कह दिया गया नाव, है ना, ये क्या है? एक वचन, है ना। तो इस तरह से अगर एक का हमें ज्ञान हो जाए, पेन, कलम, किताब, पुस्तक, कुछ भी आप कह सकते हैं, गाय, घोड़ा, हाथी, तो अगर एक का हमें ज्ञान हो रहा है तो एक वचन, और एक से अधिक हो रहा है, दो हो जाए, तीन हो जाए, चार हो जाए, चाहे हजार हो जाए, फिर वो बहुवचन, एक से आगे बढ़े तो बहुवचन। समझ गए? यदि एक है, सिंगल है, वन है, अकेला है तो एक वचन, और एक से आगे बढ़ गए तो बहुवचन। समझ गए? अच्छा, अब क्या करें, इसका प्रयोग कैसे करते हैं? प्रयोग बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो होते तो एक वचन के हैं लेकिन उनका प्रयोग बहुवचन के तरीके से किया जाता है। होते एक वचन के हैं, जैसे कहा जाए पिताजी बाजार जा रहे हैं। अब बताइए पिताजी एक है ना कि बहुत से पिताजी हैं? एक है ना। तो इस तरह से यदि आदर सूचक वाक्य है, यदि सम्मान सूचक शब्द है तो वो एक वचन का शब्द तो है लेकिन उसका प्रयोग बहुवचन की तरीके से करते हैं, है ना। पिताजी बाजार जा रहे हैं, तो पिताजी एक अकेले हैं लेकिन हम लिखते क्या है? रहे हैं, अर्थात बहुवचन, है ना। और दूसरा अभिमान, अभिमान प्रकट करने के लिए, किसी की चीज का अधिकार प्रकट करने के लिए, हमारा इस पे अधिकार है या हम अभिमान करते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, तो वहां भी संज्ञा सर्वनाम आदि का प्रयोग बहुवचन में होता है। जैसे ये कह दिया जाए हम उससे कोई बात नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे ना, तो हम अकेले तो है, लेकिन हम का प्रयोग कर रहे हैं, मैं नहीं करूंगा अलग बात, हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, करेंगे अर्थात बहुवचन, है ना। या हम तुम्हें कक्षा से निकाल देंगे तो ये क्या है? बहुवचन। कक्षा से निकाल देंगे, देंगे बहुवचन, हम अकेला तुम्हें निकालेंगे, तुम भी एक वचन, एक एक तो हो लेकिन हम प्रयोग बहुवचन की तरीके से करते हैं, है ना। इस तरह से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो होते तो एक वचन है
लेकिन उनका प्रयोग बहुवचन की तरीके से किया जाता है। अच्छा, इसके विपरीत कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो होते तो अनेक अनेक है ना, और प्रयोग कहां किए जाते हैं, एकवचन में, अनेक के लिए एकवचन, अनेक के लिए एकवचन। कौन कौन शब्द होते हैं? होते तो अनेक अनेक है, लेकिन वो प्रयोग कहां किए जाते हैं, एकवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञाएं, कुछ जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं जो एक वचन में ही बहुवचन का बोध कराती हैं। होती तो बहुवचन में है लेकिन लिखित प्रयोग एक वचन में की जाती है। जैसे ये कहा जाए आपसे एक किलो आलू, एक किलो आलू, आलू को खाते हैं ना इस समय, जात वाचक संज्ञा नंबर एक ले रहे हैं, जात वाचक संज्ञा, ठीक, जात वाचक संज्ञा एक किलो आलू। अब एक किलो आलू में कोई एक आलू तो आएगा नहीं, चार पांच दस बारह पंद्रह बीस कुछ आलू आएंगे नहीं है, संख्या ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है, तो क्या है, बहुवचन है, एक से अधिक, हमने वही बताया एक से अधिक है बहुवचन। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ वो जात आलू की पूरी जात बता रहा है, जातिवाचक संज्ञा है ना, आलू एक किलो आलू, दस किलो आलू, पांच किलो आलू, ये क्या है, एक लाख रुपया कह दिया गया, तो क्या है रुपया, एक रुपया, एक लाख रुपया, वो भी एक वचन में, होता तो बहुवचन है, एक लाख रुपया बहुत से रुपये होंगे ना, तो लेकिन उनका प्रयोग हम कहां करते हैं, एक वचन की तरीके से करते हैं। इस तरह से जातिवाचक संज्ञाएं आ जाए तो वो हमेशा एक वचन में प्रयोग की जाती है ना। नंबर दो, समूहवाचक, समूह को देखा जाए तो समूह शब्दों के अंत में समूह बोधक शब्द दिया जाए, जैसे सेना, जाति, दल कोई प्रयोग किया जाए है ना, जैसे कह दिया गया, क्या कहा गया, सेना ने किले पर कब्जा कर लिया है, सेना सेना ने किले पर कब्जा कर लिया है। अब बताइए सेना कोई अकेला आदमी है क्या, तो अकेला नहीं है ना, सेना होगी तो बहुत से उसमें वीर सैनिक होंगे, सेनापति होगा, बहुत से लोग होंगे, लेकिन हम सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, सेना कहते हैं, तो सेना क्या है, एक वचन, तो होता तो बहुवचन है लेकिन अनेक है, अनेक के लिए एक वचन का प्रयोग किया, एक वचन में इनका प्रयोग हम करते हैं, है ना। जैसे कहा जाए टिड्डी दल ने पूरी फसल चट कर दी, इसमें टिड्डियां बहुत चल रही है ना, टिड्डी दल आया एक खेत में और पूरी फसलों को चट कर गया। आपको पता होगा टिड्डी दल हमेशा लाखों की संख्या में चलते हैं, टिड्डियां जो होती है वो लाखों की संख्या में चलती है, और हम उसको एक वचन का प्रयोग करते हैं टिड्डी दल, तो दल क्या है, समूह बोधक, समूह बोधक तत्व तो आ जाए, जाति आ जाए, सेना आ जाए, दल आ जाए, जन आ जाए, जन कह जाता है समूह, समुदाय, लोग, गण, जन, ये सब होते हैं ना, तो जाति वाचक शब्द आ जाए तो उनका भी प्रयोग हम करते हैं ना। अगला है व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं, जैसे राम नृत्य करता है तो व्यक्ति एक व्यक्ति है, राम नृत्य कर रहा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो एक वचन में प्रयोग किया जाएगा, है ना। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक और भाववाचक, इधर लिख देते हैं व्यक्ति वाचक और दूसरा भाववाचक। व्यक्तिवाचक में क्या है, एक व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, सॉरी तीन चार होगा, ये तीन होंगे, व्यक्तिवाचक जैसे कहा जाए राम नाच रहा है या मोहन लिख रहा है, कुछ पढ़ रहा है, तो क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन। और भाववाचक, भावना की जाती है, सत्य की हमेशा विजय होती है, सत्य क्या है, भावना है, सत्य की विजय होती है, जब असत्य का हमेशा नाश होता है, बुराई की हमेशा हार होती है, तो क्या है, भावना है हमारी, भाववाचक संज्ञा है, तो वो भी हम एक वचन में ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला है धातु,
धातुएं भी हैं, धातुओं का बोध जो कराते हैं, धातु धातुवाचक समझ लीजिए, धातुओं का बोध जो कराते हैं, चांदी है, सोना है, हीरा है, मोती है, लोहा है, ये सब क्या है, धातुएं हैं। धातुवाचक जो संज्ञाएं होती हैं उनका भी प्रयोग हम एक वचन में करते हैं। जैसे कहा जाए आजकल चांदी सस्ती हो गई है, आजकल सोना महंगा हो गया है, तो यह क्या है, एक किलो सोना लेंगे तभी वो एक वचन, दस किलो लेंगे तभी वो एक वचन, सोना सोना ही रहेगा, चांदी चांदी कहेगा, लोहा लोहा कहेगा तो कहेंगे बहुत सा लोहा आ गया है ना, तो सोना सोनाए कह देंगे, सोनाए कहेंगे नहीं कहेंगे, तो क्या हो जाएगा एक वचन। धातुवाचक संज्ञा भी कहीं आ रही है तो उसका भी प्रयोग हम एक वचन में करेंगे। अगला है द्रव्यवाचक, द्रव्य वाचन में क्या है, द्रव्य, द्रव्य जानते हैं ना, तेल पहली चीजें है ना, पहली चीजें क्या है द्रव्य, जैसे तेल, पानी, पानी तेल, तेल डाटा, द्रव्य वाचक संज्ञाएं जो है वो भी कहां आती है, एक वचन में प्रयोग किया जाती है। जैसे कहा जाए खाने में तेल का प्रयोग कम करना चाहिए, ज्यादा तेल का प्रयोग करेंगे तो पेट खराब हो जाएगा है ना, तो खाने में तेल का प्रयोग कम करना चाहिए, तो तेल क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञाओं का भी प्रयोग हम कहां करते हैं, एक वचन में करते हैं, है ना, समझ गए। तो इस प्रकार की संज्ञा वाले शब्द कहीं आ रहे हैं तो उन्हें हम उन शब्दों को हमेशा एक वचन में प्रयोग करेंगे, है ना। तो इन शब्दों को घी आ जाए, जैसे मक्खन आ जाए, दूध आ जाए, ये सब द्रव्य ही तो है, दूध, मक्खन, घी, तेल, ये सब क्या है, द्रव्य है, पानी, सोना, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं, और द्रव्यवाचक संज्ञाएं जो आती हैं तो उन्हें एक वचन में प्रयोग करते हैं, है ना। और समूह वाले जो आते हैं, समूहवाचक, समूह बोधक ने बताया ना, समूह में जनता, अब कि बड़ी रोचक चीज है जनता, और प्रजा, पुलिस, ये बहुत परेशान करते हैं आप लोगों, गलत कर देते हैं ज्यादातर। अब देखिए जनता, जनता कोई अकेला एक व्यक्ति जनता है नहीं, जनता का अर्थ क्या होता है, पूरा समुदाय है ना, एक राज्य में जितने लोग रहते हैं सबको क्या कहते हैं, जनता, प्रजा, राजा के अंतर्गत जितने लोग राज्य में रहते हैं सब क्या है, प्रजा है ना, प्रजा, जनता, प्रजा, तो एक व्यक्ति नहीं है ना, अनेक है, लेकिन उनका हम प्रयोग एक व्यक्ति की तरह करते हैं, जनता है ना। जैसे प्रजा, प्रजा भी कितने हैं, अनेक लोग हैं, बहुत से लोग होंगे राज्य में, लेकिन हम कहते क्या है, प्रजा, एक वचन में प्रयोग करते। पुलिस, पुलिस, एक व्यक्ति आया तभी पुलिस, दस लोग आए तभी पुलिस, वर्दी पहन के, 50 लोग आ गए वर्दी पहन के तभी पुलिस, है ना। तो इस तरह से चाहे एक लोग आए, दो लोग आए, चार लोग आए, दस लोग आए, लेकिन वो हम पुलिस ही कहेंगे, है ना। तो इस प्रकार से ये एक वचन में इनका प्रयोग किया जाएगा, है ना, समझ गए। इन सभी शब्दों को जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं और एग्जाम में भी इन शब्दों को ज्यादा टारगेट करके प्रश्न बनाए जाते हैं और आप लोग गलत कर देते हैं, इसको हमने एक दोहे में प्रयोगने का प्रयास किया है, ठीक है। ये दोहा आप याद कर लेंगे तो ये शब्द आपको आसानी से याद रहेंगे, एग्जाम में आएंगे आप तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ ये एक वचन के शब्द हैं, है ना। क्या है, वर्षा, पानी, आकाश, दूध। वर्षा, वर्षा, बारिश हो रही है, बहुत से बूंदे आती होंगी बारिश में, बहुत से आता होगा, लेकिन ये प्रयोग एक वचन में किया जाता है ना। वर्षा, पानी, एक लोटा लेंगे तभी पानी, एक ग्लास लेंगे तभी पानी, बाल्टी में ले आए तभी पानी, तो कितना ही अधिक ले आए लेकिन वो एक वचन में ही प्रयोग किया जाएगा, है ना। आकाश, इतना बड़ा आकाश है, इतना विशाल आकाश, एक वचन में। दूध, द्रव्यवाचक संज्ञा है, दूध, एक गिलास लाए चाहे चार गिलास लाए दूध ही कहा जाएगा। लोहा, लोहा, चाहे एक किलो ले चाहे दस किलो ले चाहे एक टन ले, वो भी एक वचन। सामग्री, कितनी भी सामग्री आप ले आए, है ना, बहुत सी चीज बटो ढूंढ के ले आए, एक साथ ले आए, तो उसे सामग्री तो कहेंगे, एक वचन में। सोना, सोना भी द्रव्यवाचक संज्ञा, एक वचन में प्रयोग की जाती है। जनता, अभी हमने आपको बताया जनता बहुत से लोग होते हैं लेकिन एक वचन में प्रयोग। प्रजा, पुलिस, घी, घी भी इसी तरह से द्रव्यवाचक संज्ञा है। मक्खन, एक वचन है। सेना, सेना भी आपकी एक वचन है। देखिए सेना में कितने लोग होते हैं, बहुत से, पूरी सेना होती है हमारे देश की, सेना कितने भी सेना होती है लेकिन एक वचन में प्रयोग होता है ना। तो क्या है दोहा, वर्षा, पानी, आकाश, दूध। वर्षा, पानी, आकाश, दूध,
लोहा सामग्री सोना, वर्षा पानी आकाश दूध, लोहा सामग्री सोना, जनता प्रजा पुलिस घी मक्खन, जनता प्रजा पुलिस घी मक्खन, एक वचन है सेना, और एक वचन ये सेना भी हमारी एक वचन है। ये जितने एक वचन वाले शब्द हैं सबके नीचे हमने ये लगा दिया है, ये देख लीजिए। तो आप इस दोहे को याद करेंगे तो एक वचन के शब्द आपको आसानी से आराम से याद हो जाएंगे और कोई दिक्कत आपको नहीं हो सकती है ना। और इसके अलावा हमने जो ये बताया है जातिवाचक संज्ञाएं जो आती हैं, समूहवाचक जो बोधक होती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञाएं, धातुवाचक संज्ञाएं और द्रव्यवाचक संज्ञाएं, इन संज्ञाओं से परे हुए शब्द जो हैं वो शब्द एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, है ना। एक वचन में वो शब्द प्रयोग किए जाते हैं और उन शब्दों को इस दोहे में पिरोने का प्रयास किया गया। अगर ये दोहा आपको याद है तो आप एग्जाम में परेशान नहीं होंगे और आराम से आप जान जाएंगे कि ये सब एक वचन का है और एक वचन में आप लगाएंगे, है ना। समझ गए। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, है ना। बहुवचन जानने के लिए आप अगले वीडियो में आइए, तब तक के लिए इसको याद करते रहिए और अच्छे प्रकार से पढ़िए, कोई दिक्कत हो संपर्क कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।